दो फ्रेंड्स है गाइस मेरे, जिनकी स्टोरी मैं आज की वीडियो में आप लोग को सुनाना चाहूँगा। लोगों को भी पता लगे किस तरीके की चीज़ें यहाँ पे होती है। मेरे को कॉल आया कि भाई मैं विंड सर मूव हो गया। बोला क्यों भाई, तू तो यहाँ मिसी सा का आया था, सब कुछ सेट था तेरा तो। बोलते हैं नहीं यार, मेरे को ऑफर लेटर में कुछ और नाम दिया था और मेरे से काम वहाँ गधा मजूरी का करा रहे थे, वो जनरल लेबर का काम करा रहे थे। सो ये फ्रॉड भी होता है। यहाँ की कंपनीज को पता है कि यहाँ जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो कितने भूखे हैं जॉब्स के। वेलकम बैक गाइस। सो आज की जो वीडियो होगी वो होगी फ्रॉड रिलेटेड टू फुल टाइम जॉब से रिलेटेड। ऐसे कुछ फ्रॉड्स है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पे कंपनीज करती है, कैनेडियन ऑफिशियल कंपनीज भी ये करती है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ ये चीज़ें हो रखी है, उन्हीं की स्टोरियाँ सुन सुन के आप लोग के साथ वीडियो बनाने वाला हूँ। अभी रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड आया था यहाँ पे इटोबिको में, उसके साथ क्या हुआ वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोग कैनेडा में हो, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, कैनेडा आ चुके हो, आप लोगों ने वर्क परमिट अप्लाई किया, आप लोग की फुल टाइम जॉब नहीं लगी या फील्ड जॉब नहीं लगी है, सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। अगर आपकी फील्ड जॉब लग चुकी है तो ये वीडियो आपके काम की नहीं है, बट अगर नहीं लगी है तो पूरा देखना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते हो तो कर दिया करो, अच्छा लग रहा है, जिस वीडियो को कर रहे हैं। अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। दो फ्रेंड्स है गाइज मेरे, जिनकी स्टोरी मैं आज की वीडियो में आप लोग को सुनाना चाहूँगा। वो दोनों ने लाइक एक डेढ़ साल पहले था और दूसरे का तो अभी रिसेंटली हुआ है, इसीलिए मैंने उससे बात करी और सोचा कि वीडियो बनाता हूँ ताकि लोगों को भी पता लगे किस तरीके की चीज़ें यहाँ पे होती है। एंड ये गवर्नमेंट की यहाँ पे कंपनीज, यहाँ की कैनेडा की ऑफिशियल कंपनीज ये सब चीज़ें करती है, ठीक है, बिकॉज उनको भी पता है। क्या पता है, वीडियो पूरा देखो, आपको आइडिया लग जाएगा। नंबर वन, जो पहली जो स्टोरी थी वो मैं बात करूंगा, डेढ़ साल पहले मेरा फ्रेंड था, वन एंड हाफ ईयर पहले आई थिंक यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर से ही पास आउट था, मैकेनिकल में ही पास आउट था, ठीक है। उसने ऑल ओवर ओंटारियो में अप्लाई किया था, कुछ कुछ जगहों से उसको बेरी से या फिर लंदन से चैथम से हर जगह से उसको ऑफर लेटर आए कंपनीज के। सो एक जगह पे उसने हाँ बोल दिया, एक कंपनी में उसने हाँ बोल दिया एंड ऑफर लेटर उसके पास आया। भाई ने ऑफर लेटर खाली ऊपर ऊपर से पढ़ा था, उसने अप्लाई किया था इंडीड पे कुछ और नाम से, राइट। इंडीड पे जो उसका पोजीशन था वो कुछ और था, बट ऑफर लेटर में उसका पोजीशन कुछ और था और उसने वो चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। कंपनी का एचआर का कॉल आया था उसको कि यस यू आर कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर सो एंड सो पोजीशन, वही पोजीशन बोली। एंड ऑफर लेटर जब भेजा तो उसके अंदर कुछ और पोजीशन लिखी थी, उसी से रिलेटेड काम था बट पोजीशन कोई और थी और वो पोजीशन स्किल ट्रेड में नहीं आती थी। क्या मतलब, जब भी पीआर अप्लाई करोगे तो पीआर अप्लाई करने में कुछ पोजीशंस होती ना गवर्नमेंट का, आप देखोगे वेबसाइट पे जाके तो कुछ कुछ पोजीशंस होती है जो लिस्टेड होती है कि ये पोजीशंस में अगर आप काम करते हो तभी आप लोग वो ऑफर लेटर के साथ अप्लाई कर सकते हो, वरना यू आर नॉट एलिजिबल। सो वो पोजीशन वहाँ पर लिस्टेड नहीं थी। एंड ये भाई खुशी खुशी हाँ बोल दिया, वहाँ पर मूव हो गए, काम करना शुरू कर दिया। और काम करना जब शुरू हुआ ना, तब पता लगा कि यार ये काम तो मेरे से वही करा रहे, एक साल भी हो चुका है एंड ऑफर लेटर में तो ये लोगों ने कुछ और पोजीशन लिख रखी है। एंड वो कॉलेज से पढ़ा था तो उसको पॉइंट्स चाहिए थे, यूनिवर्सिटी वाले बंदे को तो पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज आपको ना पता हो तो हम लोग स्किल ट्रेड में भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर स्ट्रीम होती है वहाँ पे भी यूनिवर्सिटी वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अब वो सब बात मैं अलग वीडियो में करूँगा, बट अगर यूनिवर्सिटी के हो तो यू डोंट नीड अ जॉब टू अप्लाई फॉर पीआर। अगर आपके पॉइंट्स हो जा रहे हैं तो आप वैसे ही पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट वो कॉलेज का था तो एक साल के बाद दिक्कत हो गई भाई को कि अब क्या करेगा। तो रिक्वेस्ट किया उसने यूनिवर्सिटी कंपनी में, कंपनी मान ही नहीं रही है। वो बोल रहे हैं कि जब हमने ऑफर लेटर भेजा तो आपने वो टाइम पे देखा नहीं था। सो बोलते हैं कि नहीं, वो टाइम पे तो मैं खुश था, इतना ज़्यादा मेरा फोकस था नहीं वो जगह पे, एंड आपने मेरे को फ़ोन करके बोला था कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर सो एंड सो पोजीशन, तो वो टाइम पे मैं अलग ही फ्लो में था और मैंने कुछ ज़्यादा ध्यान दिया नहीं और मैं यहाँ पे आ गया। और काम भी अच्छा था, टेक्निकली काम करा रहे थे, ऐसा कोई जनरल लेबर का काम नहीं करा रहे थे उससे, बट पोजीशन जो थी वो अलग थी। सो ये नंबर वन चीज़ है जो आप लोग को ध्यान रखनी है व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग फॉर एनी फुल टाइम जॉब या कोई भी फील्ड जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे। सो मेक श्योर वो जो भी कंपनी आपको पोजीशन के लिए हायर करती है उसका ऑफर लेटर पे जो नाम है ना वो देख लेना, बिकॉज वो ऑफर लेटर वाला जो नाम होता है वो जब आप लोग एक साल के बाद उनसे मांगोगे ना कि मेरे को अपना वर्क एक्सपीरियंस का एक साल का लेटर दो, वहाँ पे भी वही नाम लिखा होगा जो आपके ऑफर लेटर में आपको दिया गया है। एंड वो लेटर के साथ ही आपको पीआर अप्लाई करना होता है। सो मेक श्योर यू डोंट गेट टू एक्साइटेड जब भी आपको कोई कंपनी का कॉल आता है, बिकॉज होता है गाइस, हम एक डेढ़ महीने दो महीने से अप्लाई कर रहे होते हैं एंड इंटरव्यूज दे रहे होते हैं एंड सडनली आपको कोई एचआर कॉल करके बोलती है अभी कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन सेलेक्टेड, सो हम लोग एकदम ही खुश हो जाते हैं और इतना फोकस वो टाइम पे ध्यान नहीं रहता। हम दोस्तों को फ़ोन करके बोलते हैं भाई मेरी जॉब लग गई, घर वालों को फ़ोन करके बोल देते हैं, रिश्तेदारों को बोल देते हैं, दोस्तों को पार्टी दे देते हैं। सो ये दिक्कतें हो जाती है जब भी आप इस तरीके का फोकस नहीं रखते हो अपनी चीज़ों पर। नंबर वन स्टोरी इससे रिलेटेड थी कि ऑफर लेटर पे क्या नाम है वो ध्यान रखना, ठीक है। काम आपसे अच्छा खासा ही कराएंगे बट ऑफर लेटर पे नाम कुछ और होता है। दूसरी स्टोरी जो रिसेंटली हो रखी है मेरे किसी एक फ्रेंड के साथ, एंड वो तो मेरे साथ ही पास आउट है रिसेंटली, अभी तीन चार महीने पहले ही हम लोग पास आउट थे
और उसको जानता था मैं, और वो इटोबी को ही आया था यहाँ पे मिसिसागा में कोई कंपनी में, उसकी जॉब लगी थी। एंड आया मेरे को बोलता है मेरी जॉब लग गई है, सो मैं बोला भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, और सो एंड सो पोजीशन पर मेरे को बोल रहा है। मैं बोला सही है भाई यार तेरा तो सही है, कंपनी भी अच्छी थी, सब कुछ सेट था। मैं बोला आ जाए, यहाँ पे घर भी मिल गया उसको, रहना वहना भी स्टार्ट हो गया कंपनी में, भाई ने जाना भी चालू कर दिया, ऑफर लेटर पे नाम भी सही लिखा हुआ था, यार सही है। बट क्या हुआ, कंपनी में चला गया, जाके उससे वो पोजीशन का काम नहीं करा रहे, ऑफर लेटर पे कुछ नाम है, उससे काम वहाँ पे जनरल लेबर का करा रहे। तो उसने 5 दिन 10 दिन किया, 15 दिन भी किया, कुछ बोला नहीं, 15-20 दिन तो कुछ नहीं बोला, काम करता गया, बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, धीरे धीरे मेरे से करवाएंगे, शायद शुरू में ऑफर लेटर में वो लोगों ने दिया और वो देखना चाह रहे कि उसको धीरे धीरे ऊपर भेजेंगे, ऐसा उसने सोचा, भगवान जाने, उसने किसी को बोला ही नहीं है सब, मेरे को भी पता नहीं था ये सब। तो और 15-20 दिन तक काम करता है, और 1 महीने के बाद मेरे को कॉल आया कि भाई मैं विंडसर मूव हो गया। बोला क्यों भाई, तू तो यहाँ मिसिसागा आया था, सब कुछ सेट था तेरा तो। बोलते हैं नहीं यार, मेरे को ऑफर लेटर में कुछ और नाम दिया था और मेरे से काम वहाँ गधा मजूरी का करा रहे थे, वो जनरल लेबर का काम करा रहे थे। बोला ऐसा कैसे हो सकता है, तेरे को हायर तो ये पोजीशन के लिए किया था। बोलता है पता नहीं, मैंने एचआर को जाके भी बोला कि यार मेरे को हायर ये चीज़ के लिए किया है, तो एचआर बोल रही है कि अभी वो पोजीशन के लिए वैकेंसी नहीं है, सो तेरे को हम लोगों ने एडवांस में हायर कर दिया है, सो अभी तू जनरल लेबर का काम कर, कुछ महीनों के बाद तेरे से वो पोजीशन का काम कराना शुरू कर देंगे, बट ऑफर लेटर में तो तेरा अच्छा ही पोजीशन है, सो तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो ये फ्रॉड भी होता है, यहाँ की कंपनीज को पता है कि यहाँ जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो कितने भूखे हैं जॉब्स के, सो इसीलिए वो टाइटल जो होता है ना, जो आपको टाइटल पे हायर करते हो, ऑफर लेटर पे भी टाइटल देते हैं जो स्किल ट्रेड में लिस्टेड होता है, बट आपसे काम गधा मजूरी का ही कराएंगे, मतलब आपको ट्रेड का कुछ नॉलेज नहीं मिल रहा है, आप गधा मजूरी कर रहे हो, बस खाली नाम है आपके पास कि आपने ट्रेड में काम किया है, सो वो नाम से आप लोग पीआर अप्लाई कर सकते हो, पीआर अप्लाई करने के बाद आपको कोई ऐसी हाई लेवल जॉब नहीं मिलने वाली है। सो ये दूसरी स्टोरी थी। ये दो स्टोरी से हमने क्या सीखा कि जब भी कोई कंपनी में आप इंटरव्यू देने जाते हो, एंड एट दी एंड हमेशा कोई कंपनी पूछती है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, सो वो क्वेश्चन वो जब राउंड हो क्वेश्चनिंग राउंड, तो तभी आपको ये पूछना है उनसे कि मेरे को जो पोजीशन के लिए आप हायर कर रहे हो वो पोजीशन क्या एग्जैक्टली है। आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों ने इंडीड के ऊपर या लिंक्डइन के ऊपर सब पढ़ा होगा कि ये पोजीशन है, इसके रोल्स ये है, बट ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी कंपनीज होती है जो इंटरव्यू में आप लोगों को बुलाती है, एंड बुलाने के बाद इंटरव्यू के टाइम ही वो लोग का माइंडसेट इधर उधर हो जाता है कि नहीं यार अभी इस बंदा यहाँ पे फिट नहीं बैठता, इसको हम लोग कहीं और फिट बैठाएंगे, सो इस हिसाब से आप लोगों को कोई और पोजीशन दे देते हैं, नाम वही होता है, काम कुछ और कराते हैं। ये तो मेरे लिए खुद के लिए एक लेसन था, आप लोगों के लिए नहीं, बिकॉज मेरा भी जब ऑफर लेटर आया था ना तो मैं बहुत एक्साइट हो गया था कि यार मेरे को ये पोजीशन के लोगों ने हायर किया है, एचआर का कॉल आया था, एंड उसने ऑफर लेटर मेरे को 1 दिन के बाद भिजाया था, पहले कॉल किया और फिर अगले दिन भिजा दिया, तो मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने अपनी मम्मी को मैसेज कर दिया, मम्मी मेरे को जॉब मिल गई है, दोस्त को बता दिया, ये सब कर दिया। बट ये होने के बाद अब मैं भी थोड़ा अलर्ट हो गया हूँ, सो दिस वीडियो इज़ अ लर्निंग फॉर मी एज वेल, बिकॉज ऐसा होता है, तो मैंने बोला इससे रिलेटेड एक वीडियो बना के आप लोग को बता देता हूँ, छोटी सी वीडियो है, मेक श्योर यू शेयर इट टू योर फ्रेंड्स जो भी फील्ड जॉब अप्लाई करने वाले हैं, जो भी है। दो चीज़ें सीखी है, 1 पोजीशन का ध्यान रखना, 2 उसको इंटरव्यू में पूछ लेना कि ये पोजीशन पर मेरे से काम क्या कराओगे आप लोग। लिखा भले इंडीड में वो लोगों ने ये है कि ये रोल्स के अंदर ये चीज़ें करनी होती है, फिर भी इनडायरेक्टली एक बार ये चीज़ इंटरव्यू में पूछ लेना कि एग्जैक्टली ये रोल वाले आपकी कंपनी में क्या करते हैं, वो पूछ लेना, उसको ऐसा मत पूछना मेरे से क्या काम कराओगे, उसको इनडायरेक्टली पूछना कि ये कंपनी में जो बंदे ये पोजीशन में है वो लोग एग्जैक्टली क्या क्या करते हैं, ताकि मुझे आइडिया लगे, एंड देन एक बार आप हायर हो जाओगे आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग जाती है। सो थोड़ा बहुत सेफ्टी अपने हिसाब से रखना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ये सिचुएशंस के बाद तो गाइज किसी पे भी भरोसा करने लायक नहीं है। मैं तो पहले बोलता था इंडियन ओनर्स पर भरोसा मत करो, बट यहाँ तो ऑफिशियल कंपनीज भी ये सब कर रही है, बिकॉज एवरी वन नोज जहाँ पे ग्रीड आती है ना वो लोग समझ जाते हैं कि ओके ये लोग को ज़रूरत है, वैसे भी मार्केट में जॉब्स नहीं है, तो मैं जो भी पोजीशन दे दूंगा कर लेगा ना, पोजीशन तेरे को दे दूंगा पीआर वाली, तू पीआर अप्लाई कर देना, बट काम तो गधा मजूरी का कर। सो ऐसी भी बहुत सारी कंपनीज होती है जो ये सब कराती है, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने करते भी है, बिकॉज उनको भी लगता है कि नहीं यार मेरे को जॉब नहीं मिलेगी कहीं पे, तो ये टाइटल दिया है मतलब तो पीआर अप्लाई हो जाएगी, अभी गधा मजूरी कर लेता हूँ 1-1.5 साल। सो नेवर डू दैट, बिकॉज 1-1.5 साल आप गधा मजूरी कर लोगे, पीआर अप्लाई कर दोगे, उसके बाद आप लोग को कभी भी हाई पेइंग जॉब नहीं मिलेगी, फिर से आप लोगों को स्किल सीखना पड़ेगा, फिर से आप लोग को बहुत सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करनी पड़ेगी, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो मेक श्योर आप थोड़ा अलर्ट रहते हो ये सब चीज़ों को लेके, एंड बिल्कुल ही एक्साइटमेंट में डिसीजंस नहीं लेते हो। राइट नाउ मेरा जो फ्रेंड है वो बिल्कुल भी किसी से बात नहीं कर रहा है, ऑब्वियसली उदास हो गया है वो, बिकॉज एकदम खुशी से आया राइड वाइड करके, यहाँ पे घर लिया, पता नहीं वो घर वालों ने उसको, यहाँ पे तो 2 महीने का एडवांस होता है ना, 1 महीने का तो दूसरे महीने का एडवांस आपको देना पड़ता है, वो तो 20-25 दिन में वापस चला गया, तो पता नहीं उसको एडवांस भी दिया है वो घर वालों ने कि नहीं,
बिकॉज एक महीने पहले आप लोग को नोटिस देनी होती है कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ. सो इस तरीके का सीन हुआ था उसके साथ. आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो. सो दैट्स हाउ इट इज. कैसा लगा डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन. छोटी सी वीडियो थी, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना. फिर मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.